अच्छा लगा मुझे पता भी था ये सब करेगी मेरे लिए। क्या रूम में मतलब अबे यार खाली रूम में आ गए हम लोग। हाँ क्या वो नाम है किससे बात कर रहे हो? अरे यार वो छोड़ो ना यार तुम क्या कर रहा हूँ खाली रूम में। क्या भाई बर्थडे है कल यार माँ कसम यार कुछ भी नहीं सोचा यार तुम लोगों ने ऐसे दोस्त है माँ कसम। नींद आ रही यार मेरे को भाई क्या है क्या सीन है क्या बर्थडे है कल यार यार बर्थडे है भाई पहले नहीं बताया कि एक वीक लाने करके पहले नहीं बताया तुझे पता नहीं बर्थडे तेरे भाई का बर्थडे तो कल 12 बजे केक काटेंगे किसने कहा था कि पहाड़ी में तो 4 बजे होता है हम पहाड़ी है पूर्वी आए देसी भाई का बर्थडे है चल डांस कर भाई का बर्थडे है तेरे भाई का बर्थडे है चल भाई का बर्थडे है तेरे भाई का बर्थडे तू भी जा तेरे भाई का बर्थडे है तेरे भाई का बर्थडे है तेरे भाई का बर्थडे है तेरे भाई का बर्थडे तो गाइस तेरे भाई का बर्थडे है तो गाइस तुम्हारे भाई का बर्थडे है फाइनली तुम्हारे भाई का बर्थडे है। इस बर्थडे मुझे बहुत सारा प्यार मिलने वाला है मुझे पता है। जैसे बर्थडे तो 12 बजे के बाद है बट मुझे पता है कि जैसे मेरा कल 12 बज जाएगा जैसे अभी आज रात को 12 बज जाएगा तो मेरे दोस्त लोग भी और सब लोग आप लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। किसी को भी नहीं पता वैसे मेरा 19 का बर्थडे कोई नहीं नेक्स्ट टाइम सबको याद रहेगा पर कल मजा आने वाला है कल तुम्हारे भाई का बर्थडे है तो इट्स नॉट गोना बी इजी गाइस बहुत खतरनाक बर्थडे होने वाला है। ये कोई मामूली बर्थडे नहीं हम लोग जाएंगे और चकना भात खाएंगे बर्थडे में हम लोग जाएंगे और क्या कहते हैं मड़वा रोटी सरसों का साग और दूसरा झोली भात और ये पार्टी होती झोली भात ये चीज खाने वाले हैं और साथ में हम लोग पीने वाले हैं क्या पियेंगे भाई लोग रंगीली का क्वार्टर तो गाइस कल हम लोग पीने वाले हैं रंगीली का क्वार्टर तो गाइस कल लोग तुम्हारे भाई लोग तीनों भाई हम तीनों ही वैसे ज्यादा लोग नहीं आ रखे हम तीन ये भाई पोगा पिएगा 25 रुपए वाला ये भाई कह रहा रंगीली थोड़ा मैं स्टैंडर्ड में आ गई भाई रंगीली मैं कह रहा हूँ 8 PM पीऊंगा मैं तो गाइस कल मैं 8 PM ये भाई क्या कहते हैं पोगा अभी ये पोगा। हेलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज पंकज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ बिकॉज आज है पंकज का बर्थडे और हमने छोटा सा सरप्राइज उसके लिए प्लान करा है जिसके बारे में उसे पता नहीं है बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मतलब। और पंकज के घर से उसके पापा और उसकी बहन भी आए हुए हैं वो तो लोकेशन पे पहुंच चुके हैं लेकिन पंकज भी रेडी हो रहा है उसको भी मतलब अभी कुछ पता ही नहीं है। अब मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और ममता भाभी का वेट कर रही हूँ जैसे वो आ जाते हैं तो हम भी डायरेक्ट लोकेशन पे जाते हैं और फिर पंकज को किसी ना किसी बहाने से वहाँ बुला लेंगे। तो यहाँ का व्लॉग जो स्टार्ट करा है मैंने जैसे जैसे जो भी होगा वो आपको मैं दिखाऊंगी और पंकज के साइड से भी कुणाल शूट कर रहा है। तो गाइस गुड मॉर्निंग तो गाइस आज बर्थडे का दिन है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो गाइस आज भाई तुम्हारा पहनने वाला है नए नए कपड़े मतलब ऐसा होता है ना कि बर्थडे के दिन नए नए कपड़े लेते हैं तो हाँ जी मैंने भी नए नए कपड़े लिए हैं और मैं भी नए नए कपड़े पहनने वाला हूँ आज। तो बर्थडे कपड़े कहाँ हैं ये नहीं है ये है गाइस आज मैं क्या पहनने वाला हूँ दिखाऊंगा आपको ये। तो गाइस चलते हैं ऊपर को सब तो कुणाल को लेके चले यार गाइस चलते हैं ऊपर को और पता है यार मेरे बर्थडे के दिन पाला पड़ा है बिल्कुल गंदा वाला पाला पड़ा है यार खाता हूँ आपको रेडी वेडी होके पहले बाहर करने जाते हैं लेट्स गो गाइस। तू अभी पूरा आउटफिट रेडी नहीं हो रखा है तो अभी मुझे पहले बाल बनाने हैं बाल बनाने के बाद पूरा रेडी हो जाएगा तो फटाफट बाल बनाने निकलते हैं और गाइस मजा आने वाला है फिर आज बहुत मजा आने वाला है क्या क्या होने वाला है देखते हैं आज लेट्स गो करते हैं फिर आज और तो गाइस फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं वायरल हमने नीचे ये जो क्लब बार वाला एरिया है यहीं पे पंकज के लिए सरप्राइज प्लान करा है डेकोरेशन वगैरह सब यहीं पे हुई है। पंकज अभी रेडी होने गया है उसे कुछ भी पता नहीं है तो अंदर चलते हैं आपको सब कुछ दिखाते हैं फिर पंकज का वेट करते हैं बहुत आ रही है तो गाइस चलते हैं अंदर। तो गाइस पूनम केक लेके पहुंच गई है और हम बाहर से उसे अंदर लेकर के आते हैं फाइनली पहुंच गई है एंड पंकज का केक भी आ चुका है केक अंदर लेके जाते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको। बाकी पंकज कहाँ पे अभी देवल चौर पे है
तो पूरा कुछ स्क्रिप्ट बनाते हैं उसको यहाँ तक बुलाने की, चटाई फिर लेके चलते हैं। तो गाइस केक ये रहा, हैप्पी बर्थडे डूडू। इसमें तूने रेड हार्ट भी बनाया। हेलो, हाँ वो किसके अंदर आ रही? वो आने वाली है, यहाँ से निकल गई है पीछे के गेट से। तुम लोग कहाँ हो? हम लोग अभी ऊपर रूम पे जा रहे हैं। कुणाल कह रहे हैं तुम कॉल करो उसको, मैं वीडियो बना रहा हूँ कह रहे हो। रूम पे चले जा रहे हो तो ठीक है, फिर मैं इसी वाले रास्ते से भेज देती हूँ पूनम को बाहर। पंकज बुला रहा है जल्दी से हमको ऊपर को। अभी ये अभिषेक का कॉल आया था, फोन अभी यहाँ से चले गई है, तो अब मैं किसको पंकज को कॉल करती हूँ। ठीक है यार, यहाँ पे आवाज आ रही है, उधर चले साइड पे। गाइस अभी एक गिफ्ट आने वाला है हमारे पास किसी स्पेशल पर्सन का। वो गिफ्ट पता नहीं कब आता है, क्या आता है। मेरे को बोला है कि यहाँ पर मतलब आ जाना, उनको किसी के हाथ दे रखा है, कह रहे थे ऐसा गिफ्ट। सीन देखो क्या होता है, देखो मना ही करा यार, देखो क्या होता है। होप तो करते आए लेकिन मना कर दिया है सिचुएशन की वजह से। चलो कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम समझते हैं, बच्चे नहीं है। गिफ्ट दे रहे हैं उतना बहुत है हमको। बंडी जैसा लग रहा है। सो गाइस ये कुछ हो चुका है हमारे साथ, ये देखो कौन कौन है। असली कहाँ है, वो तो नहीं दिख रही है। खींच ला इसको पकड़, या इसको पकड़ ले, फोटो खिंचा के चलो। वो कहाँ है असली जगह, कहाँ है वो? हेलो हेलो, वो कहाँ है? अच्छा वो नहीं आई है, है? गुस्सा हो रहा है, नाराज हो रही है। इसको बोला क्या कि स्वामी आओ, वो कहाँ है? वो कहाँ है आपकी? अंदर है? पता नहीं अंदर। बोला मत करो यार ऐसा। अरे नहीं आई है, आप नहीं आई हो? End of my dream and the love of my life. मैं यही कह सकती हूँ कि तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारी जो भी विशेष हो वो सारी पूरी हो। मैं खुद को बहुत लकी फील करती हूँ कि तुम मेरे साथ हो,
और मैं तुम्हारी तारीफ से कुछ कहना चाहती हूँ। अरे पता चला बहन भी आई मेरी। अच्छा तू कब आई? फर्स्ट गिफ्ट ने दिया तो निशु अनबॉक्सिंग ये भी कर रही है अभी रुक जा मुझको मार रही है तू मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा के सदियों से भी लंबी
मन की अमावस्या है और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी है। तुमसे मिला हूँ पहली दफा ही। दूसरा के दोबारे बुआ का हैप्पी बर्थडे करके है। जो भी था मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। जब मैं वहां से अंदर घुसा उसके बाद में मुझे पता नहीं लगा, मुझे लगा इनको घायल करने के लिए, मुझे पता था ये आई कैसी, मुझे लगा इनको घायल करने, फिर मैंने दिया को देखा उस टाइम में मुझे कुछ मतलब ऐसा नहीं लगा, यही तुम लोगों ने करा लगा। ये पीछे से निकली मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब अच्छा लगा बहुत, मतलब इतना किसी ने करा नहीं आज तक मिले, जितना भी करा मतलब मेरे परिवार वालों ने, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप आए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो मूड खराब हुआ मेरे, मिला कर इस बात पर थी। चलो अब इसे उसके ऊपर बैठते हैं और इसका हाँ वो का, उसका का है हम मम्मी। चलो पापा गए, अच्छा गुड यार, पापा को ऐसे पता चला आजकल मैं ऐसे चूज पहनता हूँ ये। चलो अभी बोलते हैं भाभी का गिफ्ट। भाई साहब ये देखो बेटा, किसको लाए हो अपने स्टूडियो में आप, अच्छा लग रहा ना, हैंडसम मैं लग रहा हूँ ज्यादा? हाँ तुम भी लग रहे हो। थैंक यू की तरफ से। ऐसी ऐसी चीजें ला दे रहे जो मुझे पसंद है, बताओ। अच्छा लग रहा ना भाई, ऐसी मम्मी को ऐसी चीज पसंद आते हैं। अरे बोलने एक बार और बोल। बोल भी तो गाइस फाइनली हो चुका है बर्थडे, तो हमने सेलिब्रेट कर लिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया निशु और निशु के सारे फ्रेंड्स जितने ये सब कुछ प्लान करके इतना अच्छा करा, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। आपका भी शुक्रिया कि आप यहाँ तक पधारे और अरे नहीं आपने इतनी अच्छी एंट्री दी, मतलब अरे इतना ही थैंक यू सो मच गाइस। तो मैं इसके लिए बस एक ही वर्ड बोलना चाहूँगा, क्या अनएक्सपेक्टेड था, मुझे पता भी था ऐसे ऐसे करेंगे लोग, मेरे को तो लगता कुछ नहीं होने वाला है, ऐसी दुखी होगी घर जाऊँगा, बट थैंक यू आप लोगों को।
Let's go. 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 Let's